गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गोल्डन एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 23 जुलाई 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसका जो क्विज है उसका आंसर है दोस्तों, जो हरियाणा सरकार है उन्होंने ही पौधागिरी अभियान का जो शुरुआत की है। और दोस्तों, जो आज की वीडियो का जो क्विज है वो हमारे वीडियो के लास्ट में हम आपसे को बताएंगे, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट करके देना होगा। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सफर नामक प्रणाली को लॉन्च किया गया है जिसका संबंध है। दोस्तों, इसका संबंध वायु गुणवत्ता की जांच व जो मौसम का जो पूर्वानुमान है उसी से इसका संबंध है। इसका आंसर है सी, जो ए एंड बी दोनों सही है। जो सफर है दोस्तों उसके जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम ऑफ एयर एंड क्वालिटी एंड जो वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है जो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो लोगो बना हुआ उसमें ही। और जो दोस्तों इसकी स्थापना है वो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों, ये सफर नामक जो प्रणाली है ये जो मौसम का पूर्वानुमान और जो वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो दोस्तों पहला है, इसके अनुसार केरल सबसे प्रत्याशित जो राज्य है, ये आंसर भी ठीक है। और बिहार सबसे खराब प्रशासित राज्य, ये भी ठीक है। और यह रिपोर्ट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी की गई है, ये भी आंसर ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। और दोस्तों, जो ये रिपोर्ट है ये 22 जुलाई को जो कल है वही बेंगलोर में ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो प्रथम स्थान है वो केरल को और जो अंतिम स्थान है वो बिहार को मिला है। और जो ये रिपोर्ट है ये राज्यों के की जो शासन प्रणाली है जिसमें सामाजिक व आर्थिक स्थिति के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, इसमें जो पहला स्थान है वो केरल को और दूसरा स्थान तमिलनाडु को और तीसरा स्थान तेलंगाना को और चौथा कर्नाटक और पांचवा गुजरात को मिला दोस्तों। और जो दोस्तों हमारे 17वां स्थान दोस्तों बिहार राज्य को मिला है, जिसकी सबसे खराब स्थिति मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग की खोज की है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो दोस्तों पांचवा ऑप्शन है, ये चारों सही है, यही इसका आंसर है। दोस्तों, जो पहला है, इस युग का नाम जो मेघालय युग बताया गया है, ये भी सही है। IUGS ने भी इस नए युग को स्वीकार किया है, ये भी सही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस युग की शुरुआत 4200 साल पहले हुई थी, ये भी सही है। वर्तमान को होलोसीन युग नाम दिया गया है, ये भी सही आंसर है। तो दोस्तों, IUGCS है दोस्तों, IUGS इसकी जो स्थापना है वो 1961 को की गई थी। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जोग्राफिकल साइंस, इसकी जो फुल फॉर्म है। और दोस्तों, जो मेघालय की गुफाएं हैं उसी के अंदर जो इंटेनल्टी नामक एक चूना पत्थर है उसी पर शोध करने से जो ये मेघालय युग है ये पता लगा है, जो 4200 साल पुराना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2018 के लिए जो नया शुभंकर
मैस्कोट जारी किया गया है जिसका नाम है, इसका नाम दोस्तों मराई तोवा है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। यही जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका जो मैस्कोट है, मैस्कोट एक प्रकार की जो एक सिंबल होता है जो फहराया जाता है दोस्तों, और जो इसका मतलब है अंत भविष्य। और यह 33वां संस्करण होगा दोस्तों, ये भी हमें याद रखना होगा। जो इसकी शुरुआत है वो 24 जुलाई 2020 को आरंभ होगी, जो टोक्यो जापान है वहीं पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह चैंपियनशिप जाकार्ता में हुई है, ये भी सही है। हाल ही में जो लक्ष्य सेन ने एकल वर्ग में गोल्ड जीता इस चैंपियनशिप में दोस्तों, जो गोल्ड मेडल है वो लक्ष्य सेन ने जीता एकल वर्ग में, और दोस्तों इस प्रतियोगिता का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये भी आंसर ठीक है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। जो ये दोस्तों लक्ष्य सेन है, इन्होंने 53 साल बाद दोस्तों जो एकल प्रतियोगिता है इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो 1965 ईस्वी में दोस्तों जो गौतम ठक्कर हैं उन्होंने ही इसमें ये खिताब जीता था। ये जो ये लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारत की सहायता संचालित आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है? जो श्रीलंका है वहीं पर जो आपातकाल एम्बुलेंस सेवा उसका उद्घाटन किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को कानून व पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी देने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? जो दोस्तों स्टूडेंट पुलिस कैडेट है यही कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये अभी सरकारी कॉलेजों में अनिवार्य है दोस्तों, और थोड़े दिनों बाद ये प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गिरजा योजना किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों रवांडा देश से संबंधित है, जो हाल ही में अभी जो त्रिदेश के जो हमारे प्रधानमंत्री है 3 देशों के दौरे पर गए हैं, जो युगांडा में भी ये जाने वाले थे, तो इसीलिए वहाँ पे ये जो योजना है ये गायों से संबंधित है, और रवांडा में जाकर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने गायें भेंट की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो देश में 10 स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता कितने हैं दोस्तों? जो 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप की महिला युगल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? जो दोस्तों त्रिशा देव और सुरेखा वेनम हैं इन्होंने ही ये रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो दोस्तों फखर जमान है, यह ये पाकिस्तान के जो खेलने वाले हैं जिन्होंने 2 रा शतक बनाया है, यही जो सर्वाधिक तेज गति से रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो दोस्तों आज की हमारी क्विज है वो है, NMGCG के ने हाल ही में 5 गंगा बेसिन राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान के आयोजन किया, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? दोस्तों जो इसका आंसर है वो आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलती रहे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर के जो वीडियो है वो डालते रहते हैं, जिससे आप आने वाले एग्जाम में जो अपने टेस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। वंदे मातरम।